सो फ्रेंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। फ्रेंड मैं अभी राउरकेला के एक नंबर प्लेटफॉर्म पे हूँ और आज जो हमारा ट्रेन जर्नी होने वाला है वो होने वाला है धरती आबा एक्सप्रेस में। तो आज मैं जाऊंगा राउरकेला से हटिया। तो आपको मैं फ्रेंड बता दूं, ये जो ट्रेन आती है धरती आबा एक्सप्रेस, ये अरनाकुलम से खुलती है, अरनाकुलम से ये खुलती है और तीसरे दिन अपने पहुंचती है ये हटिया स्टेशन। और तीन दिन में इस ट्रेन जो तीन दिन में सफ़र तय करती है, तो वो सफ़र तय करती है 2244 किलोमीटर का। और इस ट्रेन का मैं नंबर का बात करूँ तो इस ट्रेन का नंबर है 22838। तो आज इस ट्रेन में हमारा रिजर्वेशन है थर्ड एसी में। तो यहाँ से फिर मैं जाने वाला हूँ, आपको बता दूँ, राउरकेला से हटिया। तो अभी मैं एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आ गया हूँ और हमारी ट्रेन अभी तक अनाउंस नहीं हुई है। तो हमारी ट्रेन तो मैं अभी नेट में देखा हूँ, वो चार नंबर प्लेटफॉर्म पे दिखा रही है। तो फिर वहाँ से मैं अपना ट्रेन लेता हूँ, फिर हटिया जाता हूँ। तो ये फ्रेंड आपको मैं दिखा दूँ, आप देख सकते हो राउरकेला स्टेशन इधर लिखी हुई है। राउरकेला स्टेशन का एक नंबर प्लेटफॉर्म पे अभी हूँ। अभी मैं राउरकेला स्टेशन के एक नंबर प्लेटफॉर्म पे हूँ और फ्रेंड आपको मैं दिखा दूँ, अभी मैं जा रहा हूँ प्लेटफॉर्म नंबर चार, जहाँ हमारी गाड़ी आने वाली है। और चार नंबर प्लेटफॉर्म से मैं आज जाऊँगा एक खूबसूरत ट्रेन जर्नी, जो कि उड़ीसा से झारखंड में जा रहा हूँ। राउरकेला से हटिया हमारी जर्नी होने वाली है। तो आप अंत तक ब्लॉग में बने रहें और आपको सारा कुछ डिटेल मैं देने वाला हूँ इस ट्रेन के बारे में। जैसे फेयर के बारे में तो मैं आपको बता ही दिया हूँ, ये ट्रेन किस किस स्टेशन रुकती है, सारा कुछ डिटेल आपके साथ मैं शेयर करूँगा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अभी मैं चलता हूँ एक्सीलेटर से, चालू है भैया कि नहीं, बंद है। तो फ्रेंड बता दूं, अभी एक्सीलेटर बंद पड़ी हुई। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं, आप अगर धरती आबा एक्सप्रेस में अरनाकुलम से आप हटिया तक की जर्नी तय करते हैं तो इसका फेयर के बारे में मैं आपको बता दूं, स्लीपर में आप अगर जर्नी करते हो तो आपको पे करने पड़ेगी 815 रुपये और थर्ड एसी का आपसे लिया जाएगा 2145 रुपये और सेकेंड एसी का आपसे लिया जाएगा 3135 रुपये और फर्स्ट एसी में अगर आप सफ़र करते हैं फ्रेंड तो आपसे लिया जाएगा 5335 रुपये। तो इस प्रकार इसकी फेयर है। तो फ्रेंड मैं अपने चार नंबर प्लेटफॉर्म की ओर जा रहा हूँ, अभी देखिए फुटओवर ब्रिज पे हूँ और अभी मैं चार नंबर प्लेटफॉर्म पे जा रहा हूँ और वहाँ से हमारी आज ट्रेन आने वाली है, चार नंबर प्लेटफॉर्म पे। और चार नंबर प्लेटफॉर्म से जो आज मैं जर्नी करने वाला हूँ, आप लोगों के साथ एक ब्लॉग शेयर करूँगा, तो वो होने वाली है राउरकेला से हटिया। तो राउरकेला से हटिया जा रहा हूँ और हटिया के बाद मैं आपको बताऊंगा वो अगली ट्रेन मैं कहाँ लेने वाला हूँ। तो आप अंत तक हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा और इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो आपको पता चलने वाली है मैं हटिया से फिर कहाँ जा रहा हूँ। हटिया से मैं फ्रेंड आपको बता दूँ, काफ़ी बढ़िया जगह जाने वाला हूँ, जो काफ़ी सुनहरा वो शहर है और उस शहर में जाता हूँ और जाके आपको बताता हूँ उस शहर की खास चीज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। उस शहर में क्या क्या चीज़ है तो सारा कुछ आपको मैं बताने वाला हूँ। तो आप अंत तक हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा और इस वीडियो को आप पूरे अंत तक देखेंगे तब आपको समझ में आएगी मैं हटिया से कहाँ जा रहा हूँ। तो फ्रेंड आप देख सकते हो मैं अभी राउरकेला स्टेशन के चार नंबर प्लेटफॉर्म पर आ गया हूँ। तो ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह का हमारा राउरकेला स्टेशन का चार नंबर प्लेटफॉर्म है, आप देख सकते हैं, ये आपको मैं दिखा दूँ अपने वीडियो में। और चार नंबर प्लेटफॉर्म से ही हमारी आज गाड़ी मैं पकड़ूंगा हटिया के लिए। और ये आपको मैं दिखा दूँ एक मालगाड़ी का, यहाँ से खुल गई है जो कि डब्लू मोटिव 7 लगा हुआ है, आप देख सकते हो AG7 डब्लू मोटिव के साथ। और ये मालगाड़ी अभी राउरकेला स्टेशन से खुलते हुए आपको मैं दिखा दूँ, आप ये देख सकते हैं, आप फ्रेंड देख सकते हैं हमारी ट्रेन अभी खुल गई है धरती आबा एक्सप्रेस चार नंबर प्लेटफॉर्म से, आप देख सकते हो। तो अभी चार नंबर प्लेटफॉर्म पे स्किप करते हुए हमारी ट्रेन, आप देख सकते हैं। तो
अभी आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट स्टॉप पे जहाँ गाड़ी रुकती है, तो ये आप देख सकते हो। चार नंबर प्लेटफॉर्म का स्किप करते हुए हमारी ट्रेन, देख सकते हो प्लेटफॉर्म खत्म हो चुकी है और अभी देखते हैं कितने बजे ये पहुंचाती है हटिया, क्योंकि हटिया से हमारी एक और ट्रेन है। जो ट्रेन है हमारी हटिया से वो 4:50 पे है, तो ये ट्रेन 2:30 लेट पहुंची है। अब देखिए ये राइट टाइम पहुंचाती है कि नहीं। देख सकते हो फ्रेंड काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है और इस तरफ में बारिश भी हुई है जैसे कि आप देख सकते हैं। ये फ्रेंड आप देख सकते हो हटिया स्टेशन में पहुंच गया हूँ। कुछ इस तरह का हटिया स्टेशन है जो कि आपको मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं ये हटिया स्टेशन। तो इस ट्रेन की बात करें तो काफ़ी लेट ये ट्रेन आई है और आपको मैं दिखा दूँ, ये जो हमारी ट्रेन है इस ट्रेन का नाम आपको मैं दिखा देता हूँ। आप ये देख सकते हो धरती आबा एक्सप्रेस जो अरनाकुलम से हटिया के बीच चलती है। और इस ट्रेन में ये इंजन है, आप देख लीजिए,
तो ये देख सकते हो फ्रेंड हटिया स्टेशन, आपको जो मैं दिखा रहा हूँ इधर देखिए लिखा हुआ भी है हटिया रेलवे स्टेशन। तो आप फ्रेंड देख सकते हो ये जो ट्रेन अभी दो नंबर पे खड़ी है, यही ट्रेन से मैं अभी उतरा हूँ, धरती आवा एक्सप्रेस यही है जो कि काफी लेट लाई, और यहाँ से अभी मैं जा रहा हूँ स्टेशन के बाहर। आप देख सकते हो कुछ इस तरह का हटिया रेलवे स्टेशन है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड आपको बता दूं, फाइनली हटिया रेलवे स्टेशन पहुंच गया हूँ धरती आवा एक्सप्रेस से। हमारा जो आगे का आपको ब्लॉग देखने को मिलेगा वो रांची जंक्शन से है। तो आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। कल सुबह आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। जय हिंद, जय भारत।